दोस्तों दिवाली के मौके पे मोदी सरकार की तरफ से एक बहुत अच्छा गिफ्ट मिला है बिजनेसमैन्स को और उन लोगों को जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, स्पेशली एमएसएमई सेक्टर में घुसना चाहते हैं और अपना खुद का कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे एसेंशियल चीज़ होती है फ़ंड। तो सबसे पहला ख्याल आता है कि हमें फ़ंड कहाँ से मिलेगा और इतनी जल्दी कैसे मिलेगा। तो ये वीडियो एंड तक देखो, पता चल जाएगा कि कैसे आप अवेल करो इस फंड को और ये गिफ्ट कैसे काम आता है मोदी सरकार का। ये फैसिलिटी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 2 नवंबर को अनाउंस की थी कि जिसमें आपको 59 मिनट के अंदर अंदर आपको लोन प्रोवाइड हो सकता है अगर सारे क्राइटेरिया फुलफिल करते हो। तो कुछ बातें ध्यान रखने वाली हैं जिसमें अगर जो भी MSMEs हैं उनको लोन अप्लाई करने के लिए सिडबी या जो 5 PSU बैंक्स हैं वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, विजय बैंक और इंडियन बैंक। अगली जो चीज़ है अमाउंट में ये है कि आपको 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन मिल सकता है जिसमें 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा और ये वेरी कर सकता है बैंक टू बैंक। इसमें आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो डॉक्यूमेंट्स हैं EKYC के पेपर्स, GST डिटेल्स, बिजनेस ओनरशिप डिटेल्स, इनकम टैक्स डिटेल्स और बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो अब स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं क्या क्या प्रोसीजर है, आप कैसे अवेल करोगे। तो पहला स्टेप है लॉगिन, वेबसाइट पे जाके आपको लॉगिन करना होगा जिसके लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से लॉगिन कर सकते हो। ये वेबसाइट है psblonsin59minutes.com, तो आप वहां से जाके आप लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के लिए आपको साइन अप करना पड़ेगा पहले, तो साइन अप पोर्टल पे करोगे अपना नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, फिर OTP आएगा, OTP एंटर करके साइन अप कर जाओ। फिर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जैसे कि आप GST के अंडर रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, फिर जो भी बॉक्सेस होंगे आप चेक करते जाओ पढ़ पढ़ के, उसके बाद आगे बढ़ जाओ। डिस्क्लेमर आएगा कि आई एम अ रजिस्टर्ड MSME एंड आई एग्री विद द अबव सेलेक्टेड पॉइंट्स, अगर आप हो तो आप चेक करो बॉक्स को और प्रोसीड पर क्लिक कर दो। फिर टैक्स डिटेल, उसके बाद आपको अपनी GST डिटेल्स देनी होंगी, इनकम टैक्स की डिटेल्स देनी होंगी, उसके बाद अपनी बैंक डिटेल्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होगा। ये सब चीज़ें अपलोड करने के बाद आपको अपनी बिजनेस डिटेल्स देनी होंगी जिसमें आप ये प्रूफ करेंगे कि आप उस बिजनेस के ओनर हैं और जितने भी कंपनी की डिटेल्स होती हैं आपको देनी होंगी। ये सारी डिटेल देने के बाद आपको ये बताना होगा कि आपको ये लोन क्यों चाहिए, किस पर्पस के लिए चाहिए, ताकि वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप उसमें ना स्टैंड कर पाएं कि आपको ये लोन क्यों चाहिए, आपको आसानी से मिल जाए। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपका कोई और पुराना लोन था तो उसकी भी आप डिटेल दीजिए। ये सब कुछ करने के बाद आप नीचे बैंक चूज कर सकते हैं आपको किस बैंक से लोन चाहिए। फिर उसके बाद आपको इन प्रिंसिपल अप्रूवल चाहिए होगा जिसके लिए आपको 1000 रुपीज प्लस टैक्स पे करने पड़ेंगे। वो पे करने के बाद ये आपको अप्रूवल लेटर मिल जाएगा और उसके बाद 8 दिन के अंदर अंदर, 7 से 8 दिन के अंदर अंदर आपको लोन डिसबर्स हो जाएगा। तो ये था पूरा पूरा प्रोसीजर, और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिए तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई सवाल कोई